मुझे भी नहीं पता मैं सही तो हो जाएगी। क्या कर दिया? जल लिया। कौन कौन खाएगा गोभी के पराठे? मैं खाऊंगा। ये देखो मेरी साइज की गन है ना। हाँ। मैंने इसका नाम ये CRV 300 रखा था। CRV? CRV 300। ये क्या होगा CRV 300? मैंने खुद से नाम रखा है, मेरा ड्रोन का रहेगा। अच्छा, नाम तो रखा है ना गन का नाम। चलो मैं ड्राइंग में बना रहा हूँ क्योंकि मैंने कार्डबोर्ड से बनाई थी। अच्छा, कार्डबोर्ड और पेपर का मिक्सर गन, जिसे मैं टॉय के मतलब टॉय जैसे चला सकता हूँ। अच्छा, मेरे पास वो वाली गन तो है पर वो अच्छी नहीं, मतलब ऑरेंज कलर में कोई गन होती है क्या? है बच्चों वाली गन, मैं खुद की गन बना नहीं सकता क्या? इसलिए ये देखो बन गई मेरी गन। और यहाँ पे ये भी लगे इनको मैं इसके अंदर घुसाऊंगा। और देखिए सारा पोछा लगा हुआ लगाया, सब खराब हो गया। इसके अंदर रखते हैं। ये देखो हो गया, ये देखो लिखा है वो क्लास फॉर्म उठाएं के नाम तो मेरी गोभी घिस चुकी है और इसमें मैं मिलाने जा रही हूँ मसाले। मसालों में क्या क्या चीज डलेगी? पहले नंबर पे डलेगी काली मिर्च। बन गई बंदूक। ये मैंने डाल दी है इसमें काली मिर्च। शुभ के डिस्काउंट के चक्कर में मेरी काली मिर्च भी डल चुकी है। और इसमें मैं डालूंगी हल्की सी लाल मिर्च। और लाल मिर्च के बाद मैं इसको थोड़ा सा अभी चला लेती हूँ। गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की सुबह के साथ साथ अभी देखिए काम हो गया था पूरा, और कपड़े भी मेरे वॉश हो गए थे, सब कुछ काम हो गया। तो मैंने सोचा आज गोभी के पराठे खत्म करो, बहुत दिनों से गोभी रखी हुई थी, गोभी के पराठे बनाने का चांस हो गया। और हस्बैंड भी दोपहर के टाइम पे आ गए, उन्होंने भी अपना जो काम कराना था वो कर लिया। अभी मेरे बाल थोड़े से गीले हो गए क्योंकि पसीना भी है और गीले भी हो गए। छोटे बालों में क्या परेशानी है, आराम से सूख जाएंगे। ये बनाई है गन, और जो हैंडमेड है वो भी, और ड्राइंग में भी दोनों गन बना दिया, और उसकी बंदूक की गोलियां भी बना दी हैं। तो बस अभी हम जा रहे हैं अपनी बिल्कुल साइज की है ना, क्या कहते हैं, गोभी के पराठे बनाने के लिए। गोभी के पराठे बनाना आसानी की है, बड़ा अजीब काम है, बड़ा अजीब सा काम है। ये एक ही साइज की है, एक ही साइज की है, ये तो एक ही साइज की बनाई होगी ना। नहीं, तो बस मैं पराठे सेक लूं, उसके बाद लंच का काम फिनिश कर लूं, और फिर मेरा कोई काम नहीं बचा है। फिर मेरे बस थोड़ा सा बाहर कपड़े सूख रहे हैं। आज सबसे बड़ा काम आज ये हुआ कि मेरी मशीन को लग गया झटका, और वो झटका जबरदस्त लगा है। उसका ड्रायर चला गया और मेरे काम का वर्डन मेरे पर पड़ गया है। अब हाथ से ही कपड़े धोऊंगी, और हाथ से धो तो मशीन में धोऊंगी, लेकिन जो वॉशर है वो तो ठीक है, लेकिन ड्रायर पर गर्मी का टाइम हो जाएगा, कपड़े सूख जाएंगे बहुत जल्दी जल्दी सूखते हैं। तो एक नुकसान पे दूसरा नुकसान, चपेट लगती रहती है। तो मेरा काम हो गया है, और अब मैं बना लेती हूँ पराठे। पराठे के बाद इवनिंग टाइम हो चुका है, और मैं आज गोभी के पराठे खा के ऐसी सोई हूँ कि मुझे तो नींद ही नींद आ जा रही है। बस
बस मेरे को नींद आई जा रही है अपने आप से। मैं बोल रही हूँ ये शुभ भी ना बहुत ज्यादा शैतान हो चुका है। मैंने देखा नहीं, मैंने देखा नहीं। मुझे इतनी नींद आई है आज सच्ची में। मैंने सोचा मैंने कहा गोभी के पराठे खा लेती हूँ, चलो कोई बात नहीं। मुझे वैसे पसंद नहीं है गोभी के पराठे, मुझे अच्छे नहीं लगते। बालों का आज दसरा बिगड़ चुका है, कॉम करने के बाद भी बालों की हालत खराब हो चुकी है। कटिंग क्या कराइए अपने सिर ओले पड़वा लिए अपने सिर पर, किसी को पसंद ही नहीं आ रही कटिंग। चलिए करवा ली कोई बात नहीं है, थोड़े दिनों बाद अपने आप खेती बढ़ेगी, जितनी भी बढ़ेगी बढ़ेगी तो सही। ये खेती ये खेती ही तो है, बालों की खेती ही तो है। सही है, ये देखो मेरे बाल भी बड़े हो रहे हैं। इसके बाल तो बहुत बड़े हो रहे हैं, तो इसके बाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। पता नहीं वो सींग की तरह खड़े रहते हैं, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। सींग की मैं सिर मारता हूँ सबके ऊपर तो अभी हमने क्या करा, फिर जब मैं सोकर उठी तो फिर सुस्ती तो रहती है सोने के उठने के बाद, फिर कोई काम करने का मन नहीं करता है। तो थोड़ी शाम की चाय पी ली, उसके बाद आज बिल्कुल कुछ बनाने का मन नहीं है। और आज मैं बना रही हूँ सिर्फ सिंपल सी खिचड़ी, और जिसमें मैं डाल रही हूँ हरी मूंग की दाल, चावल और चने की दाल। चने की दाल थोड़ी सी अच्छी लगती है, कटकट बोलती है। घी से पसंद है तो मैं दही, हम लोग दही ले लेंगे। शुभ घी से खा लेगा, इसे घी से पसंद है। मैं पुलाव भी घी के साथ ही खाता हूं। घी से खाता है। तो बस अब यही है कि हमारा जो एवरीडे रूटीन है उसको, रूटीन को एक तो खाना अब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाया जाए क्या नहीं बनाया जाए। सर्दियों का मौसम जा रहा है, गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो बीच का मौसम रह गया। उस बीच के मौसम में कुछ भी खाने की स्थिति अच्छी नहीं होती है, सिंपल सा खाना खाना पड़ता है। कभी मन करता है हाँ पनीर लबाबदार मिल जाए, शाही पनीर मिल जाए, लेकिन वो सब चीजें ना एक दिन तक ही सीमित रहती हैं, उसके बाद तो फिर मन नहीं करता है। अब आपने ये बात बोल दी थी तो मुझे ही बोलनी पड़ेगी। बोलो। मैं रोज रोज सोचता हूँ चलो मैं उसे खाता लेता हूँ, रोज रोज बड़ा रोज रोज नहीं खाता, खा लेता हूँ एक हफ्ते में सिर्फ एक बार। वो चीज है कढ़ी चावल, समोसा और क्या था, राजमा चावल। राजमा चावल खाने की चीजें तो सुबह के मुंह पर टिकी टिकी रहती हैं, और बस कुछ नहीं। अभी शुभ को आज सुबह मॉर्निंग में काम नहीं करवा पाई थी हिंदी बिगड़ गई मेरी। आज मैं कोई भी काम नहीं करवा पाई थी, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था कि एक मेरा काम ये बिगड़ा जो मैंने दोपहर बताया था कि मेरी मशीन का ड्रायर खराब हो गया, उस चक्कर में मेरा वर्कलोड बढ़ता चला गया। अब देखिए क्या होता है, न्यू मशीन आती है या फिर हम उसे ड्रायर को ठीक कराते हैं। अब मैंने कह दिया कि मैं अब कपड़े नहीं धोने वाली, अब यही कपड़े रोज पहनेंगे, रोज कपड़े यही पहनने पड़ेंगे, जब तक बदबू नहीं आ जाएगी तब तक ये कपड़े शरीर पर से नहीं उतरेंगे। और अगर मैंने करा दी ना तो बेहोश पड़े हुए मिलोगे वहां पे उस जगह पे। और एक लव को मिल गया एक नया खिलौना, उसका ग्लव्स। अरे भगवान, उस ग्लव्स को छिपाते छिपाते थक गई, लेकिन उसे दो वो ढूंढ ही लिया, और अब उस ग्लव्स को पहन के बैठा हुआ है। अभी भी वो इस कमरे से बाहर, उस कमरे से बाहर नहीं निकला है। और जिसका नाम लियो आया ही नहीं है, वो आएगा ही भी नहीं। उसकी आदत कुछ इस तरीके की हो गई है कि वो अब बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि जिद्दी, बहुत ही ज्यादा किसी से बात नहीं करना, सिर्फ अपने मन की करना, वो सब चीजें हो गई हैं। लेकिन हाँ धीरे धीरे सब चीजें ठीक हो जाएंगी। स्कूल्स खुले, स्कूल को भेजा जाएगा, लेकिन वो भी अभी ये हो रखा है कि वहाँ पेपर चल रहे हैं तो ज्यादा मत भेजिए, कोरोना का भी डर है। अब सब चीजें हॉच पॉच हो चुकी हैं। नहीं मानोगे बस। तो बस अब हमारा जो नाइट डिनर है वो खिचड़ी है, और खिचड़ी तो बहुत आसान है। खिचड़ी क्या तो खाना पसंद है। तो बस वही बनाएंगे, और टाइम हो चुका है, खिचड़ी छोक दीजिए। आज इसकी इस्माइल ने मेरे शब्दों को बेड़ा गर्क कर दिया। तो अभी मैं वीडियो को यहीं पे एंड दे रही हूँ, विराम दे रही हूँ, वरना ये मेरा पागल खींच लेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हम आपको
हम आपको दोनों ही मिलते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं मिलता है, क्या करें, हम दोनों की बॉन्डिंग है, बाकी किसी की बॉन्डिंग नहीं है। एकलव के पापा अभी आए नहीं हैं, जब दोपहर में आए थे, खाना खाया था, चले गए थे, तो एकलव अब ज्यादा करता नहीं है। मैं एकलव को बहुत कोशिश करती हूँ कि आए, हमसे बात करे, बैठे, पर वो एक नई सोच में रहता है, एक दूसरे दुनिया में रहने की कोशिश करता है कि सोनिक क्या है, सोनिक कैसे करता है, उसने ग्लव्स के पहन रखे, उसने शूज के पहन रखे, तो हम उसे इस तरीके से बिल्कुल वो नहीं करते। और फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को लगेगा कि इसकी बातें समझ में ही नहीं आती हैं, ये कहना क्या चाहता है, तो वही चीज़ें हैं, फिर भी उसे बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करूंगी, उसे समझाऊंगी और लगातार उसे तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो भी वीडियो को पसंद कर रहा हो तो उसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।